हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राज पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक सॉन्ग है, संस्कृत में एक लव सॉन्ग है। और ये चैनल सही में अच्छा है क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज को ना प्रमोट करता है और उसमें एक फॉरनर है, एक यूके की एक लड़की है जो इस चैनल को चलाती है। और वो जो लेडी हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और उनकी इंजीनियर से अपीयरेंस है, ऊपर से वो संस्कृत बोलती हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आज उन्हीं की एक वीडियो है और ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड करी थी, तो आपकी वीडियो पे फाइनली मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। और बाकियों की वीडियो पर भी मैं रिएक्ट करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सबकी वीडियो पर रिएक्शन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। Mm-hmm.
जहर आया, मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ, ये इनकी अपीरेंस इसमें ना एंजल जैसी है, मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है। ठीक है, सही में बड़ी क्यूट सी लेडी हैं, ऊपर से एक हम जैसे हैं, मिला इंडियंस, संस्कृत हमारी ही लैंग्वेज है पूर्वजों की, और हमने बुला दिया, और फॉरन वाले सीख रहे हैं, और पता नहीं कितना सच है कि नहीं, पर मैंने सुना है कि काफ़ी लोग इसे रिसर्च भी कर रहे हैं कि ताकि इसे सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज़ किया जा सके, क्योंकि साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज जो है मानी जाती है। ओवरऑल मैं चाहता हूँ संस्कृत सीखना, पर अब इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नई लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। बचपन से अब तक हम मतलब इंग्लिश को सीखने में हम इतने साल लग गए, और इस अभी इस एज में आके ना नई लैंग्वेज सीखना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं है। कभी ना कभी तो मैं संस्कृत लैंग्वेज ज़रूर सीखूँगा एक दिन। चलिए, ये थी वीडियो, सॉन्ग कैसा लगा और कैसा आपको मेरा रिएक्शन लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग मुझे और ज़्यादा रिकमेंड कीजिए, मैं लिटरली ऐसे सॉन्ग्स को काफ़ी इंजॉय करता हूँ। चलिए अब ख़त्म करते हैं वीडियो को, बाय बाय।